वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम खड़े हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा के सामने। 2012 में लॉन्च हुई थी दोस्तों, और ये 2016 का आप सेकंड फेसलिफ्ट वेरिएंट देख रहे हैं। ये डीजल वेरिएंट है दोस्तों, अर्टिगा VDI प्लस HSVH हाइब्रिड इंजन के साथ मिलेगी दोस्तों आपको। आती थी पहले, अब तो 2020 में कंपनी वालों ने डिसकंटिन्यू कर दिया अर्टिगा को। बहुत अभी भी आती है दोस्तों न्यू मॉडल के अंदर। इसका थर्ड जनरेशन आ गया है वेरिएंट न्यू मॉडल का। ऐसा गाड़ी का जो ये सेकंड वेरिएंट था, ये 2018 तक आया था, और 2018 एंड के अंदर तीसरा वेरिएंट कंपनी वालों ने लॉन्च कर दिया था, जो पूरा न्यू था, पूरा अलग ही था। बॉडी, गाड़ी की बॉडी और सब कुछ अलग चेंज कर दी थी कंपनी वालों ने। आइए दोस्तों अंदर का इंटीरियर देखते हैं। ऐसा मिलेगा दोस्तों आपको डैशबोर्ड अर्टिगा के अंदर, ड्यूल टोन के अंदर ही मिलेगा। चार एसी इवेंट मिल जाएंगे दोस्तों इसमें आपको अर्टिगा के अंदर, और दो एयरबैग मिल जाएंगे, थोड़ी जगह मिल जाएगी अंदर, और ये टूल मिल जाएगा सामान रखने के लिए, और ये कंपनी का म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा विथ ब्लूटूथ के साथ। इसमें इसका जो टॉप मॉडल आता था ZDE+, उसमें स्क्रीन आती थी दोस्तों, टच वाला मिलता था म्यूजिक सिस्टम, और इसमें सिंपल ही मिलेगा। इसमें अर्टिगा के अंदर 4-5 मॉडल आते थे दोस्तों। सबसे टॉप मॉडल आता था ZDE+, और फिर ZDE VDI+ VDI LDI, फिर LDI O, 6-7 मॉडल आते थे दोस्तों। एक अर्टिगा टूर भी आता था दोस्तों, टैक्सी के लिए अलग मॉडल आता था। और इसमें AC मिल जाएंगे दोस्तों, मैनुअल AC मिल जाएगी, और ये हीटर के बटन मिल जाएंगे इधर दोस्तों, मैनुअल AC मिल जाएगी। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा, पहले भी नहीं आता था दोस्तों ये इस मॉडल में। जो ZDE+ टॉप मॉडल आता था उसमें भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता, ये मैनुअली आती थी। बाकी सब पुश बटन सब दे रखा था कंपनी ने, लेकिन AC के बटन है ना, ये इसमें मैनुअली दे रखे थे। और ये AC का ये बटन दे रखा है, और ये अंदर एयर का बटन दे रखा है, और ये दो चार्जिंग पोर्ट मिल जाएंगे दोस्तों इसमें आपको, चार्जिंग पोर्ट, और ये मेमोरी लगाने का सिस्टम मिल जाएगा, पेन ड्राइव लगाने का ऊपर ही मिलता है, म्यूजिक सिस्टम के अंदर नहीं मिलेगा। और ये सामान रखने के लिए थोड़ी जगह मिल जाएगी, और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा दोस्तों। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोस्तों, इसमें आपको RPM मीटर मिल जाएगा, डीजल मीटर मिल जाएगा, और ये इसमें टेम्परेचर मीटर मिल जाएगा, और ये स्पीड मीटर मिल जाएगा, और ये डिजिटल मीटर मिल जाएगा अंदर। इसे स्क्रीन मिलेगी छोटी, इसमें सब किलोमीटर और ये ट्रिप मीटर दिखाएगा आपको दोस्तों, ए और बी दोनों दिखाएगा। और ये 20 का एवरेज दिखा रहा है दोस्तों, डीजल के अंदर 22-23 का एवरेज देती थी अर्टिगा गाड़ी दोस्तों, बहुत अच्छी गाड़ी आती थी। ये वार्निंग लाइट दे रखी है दोस्तों इसमें, और चार इंडिकेटर मिल जाएंगे, और आगे भी जगह मिल जाती है दोस्तों सामान रखने के लिए। और ये 3-स्पोक स्टीयरिंग मिल जाएगा दोस्तों, स्टीयरिंग के अंदर कंट्रोल मिल जाएंगे दोस्तों, ये वॉल्यूम के, और ये वॉल्यूम के, और ये म्यूट बटन मिल जाएगा, मोड का मिल जाएगा दोस्तों। और ये जो इसमें म्यूजिक सिस्टम में जो गाने सॉन्ग आगे और पीछे लेने के लिए भी कंट्रोल मिल जाएगा, और ये ब्लूटूथ और फ़ोन का ये नीचे सिस्टम मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और ये मारुति सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, ये SRS एयरबैग मिलेंगे दोस्तों इसमें, और ये हाइब्रिड सिस्टम मिल जाएगा इसमें, और ये अलार्म का मिल जाएगा, ये पार्किंग का मिल जाएगा, और ये लाइट का मिल जाएगा दोस्तों हाई बीम का, और ये लाइट सेटिंग का मिल जाएगा, ये लाइट सेटिंग का दोस्तों
आई बीम करने के लिए, सेटिंग करने के लिए मेन हेडलाइट, और ये फॉग लैम्प का दोस्तों, और ये माइक्रो हार्बर जो सिस्टम आता है गाड़ी के अंदर, क्लच कहीं पर हम दोस्तों 5 मिनट के लिए खड़े रह जाते तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद पड़ जाती है और फिर वापस क्लच दबाने पर चालू हो जाती है। ये मिल जाएगा इसमें, और ये हेडलाइट के कंट्रोल और ये वाइपर के कंट्रोल मिल जाएंगे दोस्तों इसमें आपको अटिका के अंदर। और ये क्लास मिल जाएगा दोस्तों सेंटर क्लास, और ये लाइट मिल जाएगी दोस्तों इसमें आपको। और ये मैनुअली 6 गियर मिल जाएंगे दोस्तों इसमें आपको, 5 गियर और एक रिवर्स मिल जाएगा, मैनुअली मिलेगा इसमें। ऑटोमेटिक भी अटिका आती थी दोस्तों, और ये हैंड ब्रेक मिल जाएगा दोस्तों इसमें मैनुअली। और ये सनवाइजर्स मिलेंगे दोस्तों इसमें, ग्लास के साथ मिल जाएगा दोस्तों, ग्लास के साथ मिलेगा सनवाइजर्स। और इसमें नहीं आता सर दोस्तों, एक में आता है। और एक बोतल होल्डर मिल जाएगा, 1 लीटर की बोतल आराम से आ सकती है, और पीछे सामान रखने के लिए मिल जाएगी डोर के अंदर। और ये पावर विंडो के बटन मिल जाएंगे दोस्तों इसमें, ये सेटिंग मिल जाएगा, सेटिंग मिलेगा ऊपर नीचे करने के लिए, ग्लास के साइड ग्लास के। और ये पेडल्स दोस्तों, और ये पुश बैक सीट करने के लिए यहाँ पे दे रखा है, और ये सीट आगे पीछे करने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक लॉक मिल जाएगा। और ये डबल ड्यूल एसी मिल जाएगी दोस्तों इसमें, डबल एसी मिलती थी अर्टिका के अंदर, अभी भी आती है दोस्तों। और ये ग्लास मिल जाएगा दोस्तों साइड इंडिकेटर के साथ, और ये DDIS की बैजिंग दोस्तों डीजल इंजन की। और ये एक लॉक दे रखा है दोस्तों इसमें आपको, डोर वाइजर मिल जाएंगे ये दोस्तों, ऐसे दिखती है दोस्तों पीछे से अट्टी का, पीछे से देखने पर ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा दोस्तों अर्टिका का। और यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट दे रखा है दोस्तों 12 वोल्ट का, 3 जने आराम से सीट पर बैठ सकते हैं दोस्तों बीच वाली सीट में अर्टिका के अंदर। 7 सीटर गाड़ी है, 6+1 दोस्तों ये अर्टिका। और ये पावर विंडो का बटन इधर भी मिल जाएगा, एक ग्लास होल्डर मिल जाएगा उधर भी मिल जाएगा दोस्तों ग्लास होल्डर। ये और ये पीछे भी दोस्तों एसी मिल जाएगी गाड़ी के अंदर, 4 AC मैंने मिलेंगे जो पीछे से पैसेंजर आराम से ठंडा हो सके, ठंडी हवा आ सके दोस्तों। और एसी के कंट्रोल 3 कंट्रोल ही मिलेंगे दोस्तों, एसी के कंट्रोल है दोस्तों जो आराम से पीछे से हवा आ सके। और आगे 4 AC वेंट मिलेंगे दोस्तों इसमें, हैंडल मिल जाएगा दोस्तों पकड़ने के लिए। और पीछे से ऐसा दिखेगा, पीछे भी बहुत जगह दे रखी दोस्तों, 2 जने आराम से बैठ सकते हैं, और बीच में 3 जने, और आगे 2 जने बैठ सकते हैं दोस्तों। 185/65 R15 के टायर मिल जाएंगे दोस्तों इसमें अर्टिका के अंदर, 15 इंच के टायर मिलेंगे अर्टिका के अंदर दोस्तों। और ये टेल लैंप मिल जाएगी दोस्तों आपको इसमें, ऐसे दिखे कि पीछे से अर्टिका दोस्तों,
पीछे का लुक ऐसा मिलेगा दोस्तों। और ये ग्रिल दे रखी है दोस्तों, क्रोम ग्रिल, अर्टिका की बैजिंग और ये मारुति सुजुकी का बैजिंग लगा हुआ दोस्तों। और ये मारुति सुजुकी की बैजिंग, ये HSVS पीडिया की बैजिंग, ये मारुति सुजुकी का लोगो और ये लाइट दे रखी है दोस्तों पीछे। और एक स्पॉइलर लगा हुआ दोस्तों पीछे गाड़ी के अंदर, पीछे स्पॉइलर देखने को मिल जाएगा। इसमें लाइट नहीं है लेकिन कंपनी का लगवाया हुआ, कंपनी तो नहीं देती लेकिन ये एक्स्ट्रा लगवाया हुआ है दोस्तों। और ये भी यहाँ पे लाइट लगी हुई दोस्तों, और ये पीछे एक्स्ट्रा बम्पर लगा हुआ है। ये रेडियम वाली लाइटें दे रखी है दोस्तों, इसमें अपन दूसरी भी लाइटें इंस्टॉल करा सकते हैं। और ये नीचे स्पेयर व्हील दे रखा है दोस्तों गाड़ी का, अर्टिका का, और ये अर्टिका की बैजिंग बम्पर के साथ। ऐसी दिखेगी साइड प्रॉपर अर्टिका की दोस्तों। इसमें व्हील कैप और व्हील दिखने को मिलेंगे दोस्तों, डिस्क मिलेगी। इसका जो ऊपर टॉप मॉडल आता था उसमें एलो व्हील मिलते थे, इसमें भी अपन इंस्टॉल करवा सकते हैं कंपनी के अंदर एलो व्हील नए डलवाना चाहे तो। और ये डीजल टैंक 45 लीटर का डीजल में टैंक मिल जाएगा दोस्तों अर्टिका के अंदर। और यहाँ से ये पुश करने पर आगे हो जाएगी दोस्तों, ये सीट ये पुश करने पर आगे खींच सकती है सीट, और पीछे से आराम से बैठ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अर्टिका के अंदर आराम से पैसेंजर बैठ सकता है। और वहाँ पे एक ग्लास होल्डर दे रखा है दोस्तों, और भी एक जगह दे रखी है। और यहाँ पे ग्लास होल्डर दे रखा है और सामान रखने के लिए जगह दे रखी है। और ग्रे बंडल दे रखे हैं और एक लाइट दे रखी है दोस्तों, शायद ख़राब है लाइट। ऐसा दिखेगा दोस्तों डैशबोर्ड और सीटें खाली साइड से दोस्तों। और ये खाली साइड का डोर, इसमें भी दोस्तों ये ग्लास होल्डर मिल जाएगा और ये थोड़ी जगह मिल जाएगी दोस्तों इसमें। और ये एंटीना लगा हुआ है अंदर अर्टिका के अंदर आगे। और ये DDIS की बैजिंग डीजल इंजन की, और ये टर्न इंडिकेटर के साथ मिल जाएगा आपको साइड ग्लास। कैसे दिखेगी अर्टिका साइड प्रोफाइल दोस्तों, आगे से पीछे से। 1248 cc का इंजन आता था दोस्तों इसमें, और 20 से 25 का एवरेज मिलता था इसमें दोस्तों, 22-23 का दे देती थी। प्राइवेट भी लोग रखते थे और टैक्सी पर्पज़ के लिए ये गाड़ी भी बहुत सक्सेसफुल गाड़ी थी, और प्राइवेट लोग भी घर पे रख सकते थे। फैमिली गाड़ी थी बहुत अच्छी दोस्तों। ऐसा दोस्तों अर्टिका के अंदर इंजन मिलेगा, 4 सिलेंडर 1248 cc का इंजन मिलेगा दोस्तों इसमें। ये सुजुकी का लोगो, ये डीजल इंजन की बैजिंग, 20 से 25 का एवरेज मिलता था दोस्तों। अब तो पेट्रोल और CNG में आती है अर्टिका, उसका 15 से 17 का एवरेज मिलता है दोस्तों इसमें। और ये हेडलाइट और ये क्रोम ग्रिल के साथ अर्टिका मारुति सुजुकी का लोगो, ये हैलोजन हेडलैम्प भी मिलेगी दोस्तों इसमें अर्टिका के अंदर। इसमें प्रोजेक्टर वाली भी आती थी, इसका जो टॉप मॉडल आता है उसमें। और ये फॉग लैम्प मिल जाएगी दोस्तों इसमें क्रोम ग्रिल के साथ, और नीचे भी ग्रिल दे रखी है ब्लैक वाली, इसमें क्रोम नहीं मिलेगा। और ये भी दोस्तों फॉग लैम्प क्रोम ग्रिल के साथ। ये देख लो दोस्तों इस गाड़ी का इंजन, और इसमें ABS भी लगा होता, ABS आती थी गाड़ी दोस्तों हाइब्रिड इंजन के साथ। इसमें मोटर लगी हुई है दोस्तों यहाँ पे गाड़ी के अंदर, मोटर सिस्टम आता है, और बैटरी गाड़ी के खाली साइड के सीट के नीचे आती है, पैसेंजर सीट के नीचे।
कैसी लगी दोस्तों ये अर्टिगा गाड़ी आपको? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को जालौर कार व्लॉग्स यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे चैनल को दोस्तों, और भी नए नए वीडियो लेके आऊँगा। कैसी लगी आपको ये अर्टिगा कमेंट दीजिए। कंपनी वालों ने गाड़ी ये डीजल में बंद कर दिए। कमेंट करो, लाइक करो दोस्तों। कितने लोग चाहते हैं कि ये गाड़ी वापस डीजल में कंपनी वाला लॉन्च करे? और ये मॉडल पुराना वाला बहुत अच्छा आता था, कभी भी नया मॉडल बहुत बढ़िया आता है दोस्तों अर्टिगा का, लेकिन उसमें पेट्रोल आते हैं, लोग कम आकर्षित होते हैं। लेकिन अभी तो नया ज़माना हाइब्रिड सिस्टम के साथ पेट्रोल की गाड़ी लेंगे दोस्तों, धीरे धीरे डीजल गाड़ी तो बंद हो रही है सब। अब धीरे धीरे फिर पेट्रोल और सीएनजी की क्रेज ख़त्म हो जाएगा, फिर बैटरी पर, अब बैटरी पर भी गाड़ी चल रही, फिर बैटरी वाली लोग गाड़ी लेंगे लोग दोस्तों। बैटरी वाली गाड़ी में कोई खर्चा नहीं आता दोस्तों। धीरे धीरे सब चेंज और ज़माना और प्रोफेशन सब चेंज हो रहा है दोस्तों लोगों का। मेरी फेवरेट गाड़ी थी अर्टिगा दोस्तों, लॉन्ग जाने के लिए भी बहुत अच्छी गाड़ी है दोस्तों ये, और फैमिली के लिए भी बहुत अच्छी है। फैमिली 6-4 जनों की जो फैमिली है, 7-8 जनों की दोस्तों, वो आराम से इस गाड़ी में बैठ के सफ़र कर सकता है और आराम से ले सकता है। कम खर्चे की गाड़ी है, मेंटेनेंस जीरो गाड़ी का, मारुति वाले की ऑल गाड़ी का मेंटेनेंस जीरो ही दोस्तों, इसमें कोई दौरे की बात नहीं है। मारुति एक तो गाड़ियाँ भी सस्ती है दोस्तों और मेंटेनेंस भी सस्ता है गाड़ी का, इसलिए लोग मारुति सुजुकी ज़्यादा पसंद करते हैं। इंडिया के अंदर 70-80% लोग मारुति सुजुकी गाड़ी यूज करते हैं दोस्तों, और 20% दूसरी गाड़ी यूज करते हैं दोस्तों। मारुति का खर्चा बहुत जीरो मेंटेनेंस है, लोग आराम से इसको अफोर्ड कर सकते हैं। गाड़ी भी बहुत अच्छी आती है दोस्तों मारुति सुजुकी अर्टिगा। अभी हाल ही में टोयोटा वालों ने लॉन्च की है अर्टिगा की कॉपी रूमियन, कैसे चलती है मार्केट में देखते हैं दोस्तों। टोयोटा और मारुति वालों की लगभग 6-7 गाड़ी तो सेम ही आ रही है, टोयोटा ब्लेनो और टोयोटा ग्लांजा और ब्लेनो सेम है, अर्बन क्रूजर और ब्रिजा सेम है, और हाई राइडर और ग्रैंड विटारा सेम है, इन वीटी को निकाल दिए, और ये हाई क्रॉस सेम है गाड़ी दोस्तों। बहुत अच्छी गाड़ी थी दोस्तों। कैसी लगी आपको ये गाड़ी दोस्तों? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और भी मैं नई नई गाड़ी के वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। और सबसे ज़्यादा प्यार दे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।